एक बार फिर से आपका स्वागत है एनिमल टीवी हिंदी के एक और रोमांचक वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा दुनिया के 10 सबसे क्यूट जानवरों से जो जंगली है पर आप उन्हें पालतू जानवर बना सकते हैं और उन्हें अपने घरों में आराम से रख सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, एंड में बताऊंगा कि इन जंगली जानवरों को पालना सही है या गलत और ये जानवर खतरनाक है कि नहीं। तो वीडियो को एंड तक एंजॉय करना। और हाँ, अगर आप यहाँ नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब बात करते हैं इन 10 सबसे क्यूट जंगली जानवरों के बारे में। नंबर 10, सरवल। बिल्ली प्रजाति का ये जानवर वैसे तो सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन आप इस जानवर को कई सारे देशों में लोगों के पास पालतू जानवर की तरह देखोगे। बिल्लियों की क्यूटनेस के बारे में तो आप सभी जानते हो और इस जंगली बिल्ली की क्यूटनेस भी किसी से कम नहीं है। अफ्रीका में ये शिकार करके अपना पेट पालती है। अगर आप इस बिल्ली को पालना चाहते हो तो आपके पास इसको रखने के लिए बड़े घर की जरूरत होगी और हाँ, आपको गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी होगी। जैसे ये जंगलों में रहती है वैसे ही इसको आपको अपने घरों में रखना होगा। खासकर आपको इसके खानपान पर ज्यादा ध्यान देना होगा। नंबर 9, माइक्रो पिग्स। पिग मतलब सुअर। अब हमारे यहाँ तो जो ये सुअर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गंदे रहते हैं। सुअरों को गंदगी में रहना पसंद है। ये जानवर इसी काम के लिए बने हैं, लेकिन हम इन्हें समय पर खाना देते रहे और इन्हें साफ सफाई से रखे तो फिर ये एक आम पालतू जानवर की तरह रह सकते हैं। माइक्रो पिग सुअर की एक प्रजाति है। ये पिग बहुत छोटे होते हैं, आप इन्हें आराम से कंट्रोल कर सकते हैं और हाँ, इनकी क्यूटनेस आपको हैरान कर सकती है। ये बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। इंसानों के साथ घुल मिलकर रहने में इन्हें कोई परेशानी नहीं है और हाँ, ये लगभग 15 साल तक जीवित रहते हैं अगर इनकी सही से देखभाल की जाए तो। वैसे इनको पालना इतना बुरा भी नहीं है तो आप इन्हें पाल सकते हैं। नंबर 8, पिग्मी गोट। इन प्यारी छोटी बकरियों की ऊंचाई सिर्फ 20 इंच तक होती है और इनका वजन लगभग 15 से 25 किलो तक होता है। हमारे यहाँ पर पाए जाने वाली बकरियों की तरह ही इनका खान पान होता है। इन्हें साफ सुथरी घास खाना पसंद है और हाँ, अगर आप इन्हें पाल रहे हो सके तो लगभग 2 बकरियों को रखना। अगर एक रखोगे तो वो अकेलापन महसूस करेगी और फिर दिन भर चिल्लाती रहेगी। हमारे यहाँ पर पाए जाने वाली बकरियों के जो बच्चे होते हैं ये उन्हीं की तरह है। इधर उधर फुदकते रहना और खेलते रहना इन्हें अच्छा लगता है। नंबर 7, फेनेक फॉक्स। 6 इंच लंबे कान और 1 से 1.5 किलो वजनी ये लोमड़ियाँ आपका दिल खुश कर सकती है। वैसे तो ये उत्तरी अफ्रीका के सभी रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, लेकिन आप इस जानवर को दुनिया के बहुत से देशों में लोगों के पास देखोगे। लोग इन्हें पालना पसंद करते हैं। ये लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकती है। वैसे तो ये कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, चूहे, अंडे, पक्षी खाना पसंद करती है, लेकिन आप इन्हें जड़े, फल, फूल और पत्तियाँ भी खिला सकते हैं। और हाँ, अगर आप इन्हें पालना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी और आपका घर पूरी तरह से बंद होना चाहिए। अगर ये घर से बाहर आई तो गली के कुत्ते इन्हें मार सकते हैं। नंबर 6, पिग्मी मर्मोसेट। 6 इंच लंबे ये बंदर अमेजोन के जंगलों में पाए जाते हैं। ये दुनिया के सबसे छोटे बंदर की प्रजाति है। अमेजोन में इन बंदरों की लगभग 20 प्रजातियां रहती है। इन्हें खाने में पेड़ों से निकलने वाला रस, फल, पत्तियां और कीड़े मकोड़े खाना पसंद है। ये अमेजोन के ऊंचे पेड़ों पर रहते हैं और कभी कभार ही नीचे आते हैं। दुनिया भर में इस जानवर के बहुत दीवाने हैं, लोग इन्हें पालते हैं। ये अच्छे पालतू जानवर होते हैं। वैसे मैंने पहले इस बंदर पर एक वीडियो बनाया था, आप चाहो तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पर है। नंबर 5, एक्सेलोट। पहली बात तो ये मछली नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें चलती फिरती मछली कहकर बुलाते हैं। ये एक उभयचर या इंग्लिश में बोले तो एम्फीबियन जीव है, जिसे जीने के लिए पानी या फिर नमी से भरपूर वातावरण की जरूरत होती है। एक पूरी तरह से जंगली एक्सेलोट का रंग ब्लैक या ग्रीनिश ब्राउन होता है, लेकिन जो लोग इन्हें पालते हैं उन्हें मार्केट से ये व्हाइट रंग और काली आंखों वाली मिलती है। दरअसल जब पहली बार इन्हें जंगलों से शहरों में लाया गया था तब ये ब्लैक थी, पर एक एक्सेलोट ऐसी थी जिसका रंग सफ़ेद था। ये उसके जीन परिवर्तन के कारण हुआ था और तब डॉक्टर्स ने इसकी मेटिंग और दूसरी ब्लैक एक्सेलोट से करवाई और फिर ये सफ़ेद एक्सेलोट पैदा हुई। लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया और अब ये कई लोगों के घरों की शान है। और हाँ, इसे पहली बार जंगलों से 1863 में पेरिस में लाया गया था। इस जीव की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इसके शरीर का कोई अंग किसी कारण से कट जाता है तो कुछ दिनों बाद वो अंग फिर से उगाता है। नंबर 4, शुगर ग्लाइडर। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी के वर्षा वनों में पाए जाने वाला ये जानवर आज आपको पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है। कई सारे लोग इन्हें पालते हैं। इन्हें रोज ताज़ा फल खाने को देना जरूरी है। फल इनका फेवरेट भोजन है। ये सिर्फ फलों, सब्जियों और कीड़ों को खाकर जिंदा रहते हैं। इनका जीवन काल लगभग 10 से 15 साल का होता है। ये सिर्फ 5 से 6 इंच लंबे और 100 से 200 ग्राम वजनी होते हैं। अगर आप इन्हें पालना चाहते हो तो आपको एक नहीं, 2 या 2 से ज्यादा शुगर ग्लाइडर्स रखने होंगे। जंगलों में ये अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं।
बहुत ही सामाजिक जानवर है और इसकी खुद की अपनी भाषा होती है जिससे ये एक दूसरे से नेविगेट करते हैं, पर वो भाषा इंसान नहीं समझ सकते। अगर आप इन्हें अच्छा दोस्त बनाना चाहते हो तो आपको इनके साथ काफ़ी समय व्यतीत करना होगा। आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, खासकर इनके खाना पानी का ध्यान ज़्यादा रखना होगा। खाने की कमी और ज़्यादा खाना इन्हें बीमार बना सकता है, तो इनका ख्याल रखना जरूरी है। नंबर 3, अफ्रीकन पिग्मी हैजहॉग। इस जानवर को दो अलग अलग जानवरों से मिलकर बनाया है। इसे फोरटॉय हैजहॉग और अल्जीरियन हैजहॉग को हाइब्रिड करके बनाया है। ये बहुत एक्टिव जानवर है और ये पूरी दुनिया में हैजहॉग की सबसे पालतू पॉपुलर स्पीसीज है। ये रात के समय ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये मेंढक, चूहे, कीड़े मकोड़े, अंडे, फ्रूट्स और सब्जियाँ खाकर अपना पेट पालते हैं। जंगलों में ये सभी तरह की बेरीज और ज़मीन पर रहने वाले कीड़े भी खाते हैं। ये अकेले रहना पसंद करते हैं और मेटिंग के सीजन में ये साथ साथ होते हैं। और हाँ, हो सके तो इनके नुकीले कांटों से थोड़ा बच के रहना। ये जानबूझकर आप पर कभी कांटे तो नहीं चुभेंगे, लेकिन अगर आप इन्हें बार बार पकड़ोगे या फिर इसके साथ खेलते समय ये कांटे आप पर चुभ सकते हैं, तो ज़रा बच के रहना। नंबर 2, द स्क्विरल मंकी। इंसानों की तरह ये बंदर दिन में एक्टिव रहते हैं जबकि रात को सोते हैं। ये बहुत चतुर बंदर है। अगर आप इन्हें पालना चाहते हो तो आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इनका खान पान पिग्मी मर्मोसेट बंदर की तरह है। इनका आकार सिर्फ 22 इंच तक होता है और वजन सिर्फ 250 ग्राम तक होता है। इनका जीवन काल लगभग 15 से 20 साल का होता है। वैसे तो ये बंदर अमेजोन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, पर अब ये आपको एक पालतू जानवर की तरह पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है। कुत्ते बिल्लियों की तरह आप इसे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकते। ये वहाँ जाएंगे जहाँ आप जाओगे, और अगर आपने इन्हें घर पर अकेला छोड़ दिया तो फिर ये बहुत बोर, गुस्से और परेशान हो सकते हैं, इसलिए इनका ख्याल रखना जरूरी है। वैसे इस जानवर को पालने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, पर वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। नंबर 1, रेड पांडा। एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाला ये जानवर विलुप्त होने की कगार पर है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये एक पांडा है और कुछ लोग सोचते हैं कि ये एक रकून है, लेकिन हकीकत में ये एक अलग ही जानवर की प्रजाति है। बस इसका रहन सहन और खान पान एक पांडा और रकून से मिलता है। इन्हें बांस खाना बहुत पसंद है, लेकिन ये जड़े, पत्तियाँ, फल फूल, कीड़े मकोड़े, पक्षी भी खा लेते हैं। इनकी क्यूटनेस हर किसी का दिल खुश कर सकती है। ये बहुत मस्त जानवर है, लेकिन घटते जंगल और इंसानों की बढ़ती आबादी इनके लिए खतरा बनी हुई है। कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है कि अगर इंसान इसी तरह से जंगलों की तरफ बढ़ते रहे तो ये खूबसूरत जानवर इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। ये जानवर एक अच्छा पालतू बन सकता है, लेकिन इसे IUCN ने पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया है। इसे आप खरीद या बेच नहीं सकते, ये गैर कानूनी है। लेकिन फिर भी अगर आप गवर्नमेंट को पूरा भरोसा दिलवाते हैं कि आप इसका ख्याल रखोगे और इसकी आबादी बढ़ाने में मदद करोगे, तो शायद आपको गवर्नमेंट इसको रखने की इजाज़त दे दे। आपको इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, जब ही आप इसे अच्छे से पाल सकते हो। आपके पास जानवरों को पालने व उनके बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस जानवर को पालने के काबिल बनोगे। रेड पांडा ही क्या, बहुत से ऐसे जानवर हैं जिन्हें पालने के लिए तुम्हें गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ सकती है। और हाँ, क्या इन जंगली जानवरों को पालना खतरनाक है या नहीं, इसका जवाब जानवर पर डिपेंड करता है कि कौन सा जानवर तुम पाल रहे हो। वैसे तो लोग टाइगर भी पालते हैं, लेकिन उन्हें हम हमारे कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं रख सकते। जानवरों को पता होता है कि ये हमारा मालिक है और अच्छा इंसान है, हमें खाना पानी देता है, रहने की अच्छी जगह भी देता है, इसलिए जानवर का उस इंसान से एक बंधन बन जाता है। लेकिन किसी भी जानवर का जंगलीपन कभी भी ख़त्म नहीं होता, जंगलीपन उसके खून में होता है। अगर उन्हें तुम परेशान करोगे तो वो तुम पर हमला कर सकते हैं। और हाँ, हो सके तो इन जंगली जानवरों से अपने छोटे बच्चों को बिल्कुल दूर रखे या अपनी निगरानी में उनके पास जाने दे। अगर आप इन जंगली जानवरों को पाल रहे हो तो आपको हमेशा सतर्क रहना होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा।